ब्यावर शहर की लड़खड़ाई जल व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों का भड़का आक्रोश। अजमेर रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता राजेंद्र जयमन के समक्ष जताया आक्रोश। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए बताया है कि बिसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बाद भी शहरवासियों के मांग के अनुरूप नहीं मिल रहा है पानी, जिसके चलते भीषण गर्मी में आम जन को होना पड़ रहा है परेशान। इस दौरान उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता को कराया अवगत। शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। आज हम लोग पानी की समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया, और जब से राजस्थान के अंदर ही कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे ब्यावर के अंदर पानी की भारी किल्लत होती है, पानी मिल नहीं रहा है जनता को, जनता आके हमें परेशान कर रही है, और ये लोग सो रहे हैं बिल्कुल आराम से, ऐसी कमरों में बैठे सूरज से लग के, और टाइम नहीं है, 4 बजे का टाइम कहते हैं, शाम को 9 बजे पानी दे रहे हैं, कभी 8 बजे दे रहे हैं, पब्लिक लाइन के अंदर मटके बच्ची घड़े लेके बैठी है, और इनको कोई परवाह नहीं है कि बेचारा लॉकडाउन के अंदर इस गर्मी के अंदर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, लेकिन इनको दिन के दिल में कहीं उनके प्रति दया भावना नहीं है। मैं ऐसी सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यही स्थिति रही इस गर्मी को देखते हुए, तो हमको पब्लिक के साथ में रोड पर आना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को ऊपर तक आवाज़ उठानी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, और इसकी समझ जवाबदारी इन अधिकारियों की होगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो पानी का टाइम नहीं है, समय नहीं है, एक सबसे बड़ी समस्या एक छावनी के अंदर पानी की टंकी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है इतने सालों से, सारे वहाँ कबूतर मर रहे, जानवर गिर रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारे पार्षदों ने आके उनको सूचना थी कि साहब ये ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है, और पानी का कोई टाइम नहीं, हैंडपम्प खराब पड़े, और ये रेस्ट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, लिया सेवा कार्यों का संकल्प। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में नगर परिषद के नेहरू गार्डन में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, वक्ताओं ने बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश, उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का किया आह्वान। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय पंडित नेहरू के अधूरे सपनों को पूरा करने का लिया संकल्प। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सीपी शर्मा, सोमदेव साहू, मानक बोहरा, संपत्ति बोहरा, विक्रम सोनी, मगन सोलंकी सहित कांग्रेस जन रहे उपस्थित। शहर के देलवाड़ा रोड SD स्कूल स्थित क्वारंटीन सेंटर में काम करने वाले एक परिवार के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। मारपीट का शिकार हुए परिवार के सदस्य उपचार के लिए पहुंचे राजकीय अमृत कौर अस्पताल, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मिली छुट्टी। उधर पीड़ित परिवार के सदस्य सदर थाना पुलिस को SC ST एक्ट जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और मारपीट करने के आरोप के रूप में दी शिकायत। जानकारी के अनुसार बुधवार को देलवाड़ा रोड निवासी भूंडाराम पुत्र तेजाराम, उनकी पत्नी प्रेमी देवी पुत्र राजेश जितेंद्र के साथ स्कूल में कर रहे थे काम। इसी दौरान शकील मुगल नाम के 2 लोगों ने उनके साथ की है मारपीट। मारपीट की घटना में चोटिल हुए परिवार के 4 सदस्यों ने AKH पहुंचकर करवाया अपना उपचार। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक ने बुधवार को देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मजदूर किसानों श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं की ओर करवाया है ध्यान आकर्षित। उपखंड अधिकारी के जरिए सौंपे गए ज्ञापन में राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानून को लेकर रखे गए बिल को वापस लेने के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित सकुशल घर पहुंचाने की है मांग। ज्ञापन में स्वीकृति पदों को खत्म करने का फैसला वापस लेने, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्तों पर लगाई रोक को हटाने, ब्यावर शहर की महालक्ष्मी मील को चालू करने की है मांग। साथ ही राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता राशि को वंचित मजदूरों तक शीघ्र पहुंचाने की गई है मांग। इसी प्रकार एटक की ओर से श्रमिक किसान मजदूरों की कई मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का किया गया है ध्यान आकर्षण। ज्ञापन देने वालों में पूनम सिंह, अजमल काठात, हेमचंद आर्य सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। ये केंद्र सरकार का जो महंगाई भत्ता और TADA की जो रोक है वो हटाई जाए और रिक्त पद हैं जो पूरे किए जाए, डाउन साइजिंग
आउटसोर्सिंग जो है वो बंद किया जाए और जो श्रम कानूनों में जो बदलाव ला रहे हैं उसको बिल को वापस लिया जाए पूरा। और साथ के अंदर जो ब्यावर शहर के अंदर जो हमारी महालक्ष्मी मिल है वो चालू किए जाए और श्रम विभाग में जिस तरह से धांधलीबाजी हो रही, जो 25,000 जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन का बहाना बना के दरवाजे वगैरह पूरी तरह से कोई को मतलब संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं।